Now, when we talk about developing media relations, and maybe you are a new company or you are hired in a company jo ki abhi nahi nahi aayi hai, so what are the key steps that you should take? So these are like 8-9 steps that we'll be discussing. I'll at least try to start it today and then we can take it forward in the next class. So the first thing which is really important is to designate a spokesperson. Spokesperson kya hote hain? जो कि अभी मैंने बात की है दैट जनरली देर इज दिस वन पर्सन और देर कुड बी मल्टीपल पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल टू टेल द नैरेटिव ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन एंड टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन इन द मीडिया. ठीक है, सो हम लोगों को तमाम जैसे आप पॉलिटिकल पार्टीज को देख लो, उनके स्पोक्स पर्सन होते हैं. आई हैव टॉक्ड अबाउट दैट गवर्नमेंट में तो पूरी पूरी मिनिस्ट्री है that you know ministry ही देख रही है ओवरऑल उनके मीडिया रिलेशन, बट उसके अलावा भी आपके अपने अपने स्पोक्स पर्सन होते हैं. तो अगर प्राइम मिनिस्टर है तो प्राइम मिनिस्टर का स्पोक्स पर्सन डिजिटल मीडिया के लिए कोई और होगा, या ओवरऑल जो हमारे मिनिस्टर हैं शिबली फराज, वो उनके स्पोक्स पर्सन होंगे मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे आगे उनके बिहाफ पे. सेलिब्रिटीज़ और सेलिब्रिटीज़ के अलावा भी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो किसी प्रोफेशनल बंदे को अपना स्पोक्स पर्सन जो है वो रखें. सो द ऑर्गेनाइजेशन शुड पब्लिकली स्पीक विद वन वॉइस बाय डेजिग्नेटिंग एंड प्रिपेयरिंग अ सिंगल स्पोक्स पर्सन or multiple spokesperson with a coordinated message. So the idea is that you should have a spokesperson. Ideally, it should be just one person. It becomes easier when there is just one person who always appears on media to answer things on your behalf. But even if you are a very huge organization or aapke multiple spokesperson hai, then you should ensure ke wo message ek jaisa hi aa raha ho media pe. ये ना हो कि शिबली फराज आके कुछ बोल रही हो और फिर दौसा शिकवाना बस आके साहिबा आके कुछ और बोल रही हो, ऐसा भी होता है हमारे यहाँ, बट देर शुड बी कोऑर्डिनेटेड मैसेजेस. सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. स्पोक्स पर्सन जो है वो उनको अक्सर पब्लिसिस्ट भी कहा जाता है, लाइक लोग इंटरचेंजेबली ये टर्म यूज करते हैं, बट पब्लिसिस्ट जो है वो एक तरह का पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ही है. जरूरी नहीं है कि आप स्पोक्स पर्सन जो है, लाइक इफ यू आर अ PR manager, you are handling an entire department, तो आप खुद भी spokesperson बन सकते हो. But if you think that you cannot because you are taking care of a lot of other things, then you can hire a person जिसमें spokesperson वाली qualities हो, and that person should become spokesperson of your company on your behalf. So again, सारे options जो है वो खुले होते हैं. जो हमारे बड़ी बड़ी organization corporate level की हैं, उन्होंने generally यही किया होता है कि आपका जो overall PR manager होता है या head of PR या कम्युनिकेशन होता है वो ज्यादा स्ट्रेटेजिक रोल में होता है, और स्पोक्स पर्सन के लिए उन्होंने किसी ऐसे बंदे को रखा होता है जिसकी ऑलरेडी मीडिया में थोड़ी से भी है, मीडिया में उसका यू नो द फेस एंड वॉइस इज काइंड ऑफ पॉपुलर ऑलरेडी. दैट पर्सन इज वेरी गुड एट हैंडलिंग मीडिया क्यूरीज, और वो आंसर्स करने के लिए स्पेसिफिकली प्रेस कॉन्फ्रेंसेज या इस किस्म की सिचुएशन में ज्यादा सूटेबल होता है. सो दैट रियली डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट यू आर वर्किंग इन. These are just a few qualities that your spokesperson should have. The thing is that their delivery should be impeccable. They should know how to answer questions. वो quick on their feet किस्म के लोग होने चाहिए, जैसे ही उनको सवाल आए उन्हें जवाब देना आता हो. They should be relatable. By relatable we mean that these are the people who are appearing on your behalf इन द मीडिया. तो वो जितना रिलेटेबल लगेगा ऑडियंस को, शायद उतना ज्यादा उसको उसकी बात पे यकीन भी आएगा. दैट इज वाई वी सी के जो पॉलिटिशियन ऑलरेडी होते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं, या वो मीडिया पे बहुत ज्यादा आते हैं, उनको पसंद भी किया जाता है, उन्हीं को जो हमारी गवर्नमेंट है या हमारी अपोजिशन है वो भेजती है अपने बिहाफ पे आंसर करने के लिए. लाइक देर आर लॉट ऑफ पीपल हु डोंट रियली हैव दैट ओहदा Ministry of Information and Broadcasting में, but they would appear press conferences में हमेशा, because they are the people जिनसे लोग relate कर सकते हैं या media के उनसे already अच्छे relations हैं. So ये government में तो बहरहाल इस तरह होता भी है कि अगर आपके पास होता नहीं भी है official spokesperson का, then people appear. But otherwise corporate sector में भी if you are a person जो कि जिससे media वाले relate कर सकते हैं या जिससे ओवरऑल ऑडियंस रिलेट कर सकती है, तो उनको बहुत ज्यादा चांस दिया जाता है. आई मीन वन एग्जाम्पल दैट आई कुड थिंक ऑफ इज शेरी रहमान, बिकॉज इफ यू लाइक इफ यू हैव सीन, तो शेरी रहमान अक्सर पीपल्स पार्टी की बिहाफ पर आके बात कर रही होती है, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है, और ऑफकोर्स जब वो हुकूमत में थे तो वो उनकी ऑफिशियल लाइक मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन भी थी, और उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि शेरी रहमान हैज बीन अ जर्नलिस्ट फॉर लाइक 20 years बिफोर शी ज्वाइन पॉलिटिक्स. सो सब जर्नलिस्ट उनको जानते हैं, उनकी ऑलरेडी बहुत से है, सो इट बिकम्स वेरी इजी टू यू नो
For her to manage the journalists during press conferences and otherwise. Of course, your spokesperson should be authentic as well. So, agar aapka spokesperson jo hai, wo Aamir Liaquat Hussain hai, I am again giving you an example. So, the thing is ki shayad uski itni authenticity nahi hogi. Because that person is very controversial also. So, authenticity honi chahiye bande ki. Jo ke jo baat kar raha hai, wo baad mein usse muh na pher le, ya wo agle hi din koi aur party na jaake join kar le, ya is tarah ki cheeze. Again, politics mein jo hai, ye somehow other कम होता है सो देर कुड बी वेरी अनऑथेंटिक पीपल ऑल्सो हु माइट बी प्रेजेंटिंग योर व्यूज बट इफ यू आर अ कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन देन द पर्सन शुड बी वेरी ऑथेंटिक सो इफ यू गाइज ऑलरेडी नो लाइक सलीना राशिद खान के बारे में जो कि लोटस उनकी एक पूरी कंपनी है वो किसी की स्पोक्स पर्सन नहीं है बिकॉज लाइक उनकी एक अपनी एजेंसी और वो चलाती हैं बट इफ शी वुड बी टॉकिंग अबाउट अ ब्रांड और इफ शी राइट समथिंग इन अ न्यूज पेपर अबाउट अ स्पेसिफिक ब्रांड सो इवन वाइल नोइंग सो that she has a PR company of her own aur wo kisi client ke liye hi likh rahi hai agar likh rahi hai chances are that people are going to believe her because she is an authentic person ya Fiha Altaf ki example hai kyunki wo kafi saalon tak Unilever ko represent karti rahi hai aur unke kafi acche bure kaam ko media se chupati rahi hai ya media mein promote karti rahi hai so she is an authentic person so whatever she would be saying is media would know ki acha ye baad mein jo apni baat se muh nahi kar jayengi aur unki baat pe qaim rahengi unke paas information authentic hi hogi so your spokesperson should be authentic they should also be available so if you actually hire a person jo ke bahut famous ho aur aap usko apna spokesperson bana doge aur wo available hi nahi hoga jab media ko uski zarurat hogi then it is not going to serve any purpose you have to make sure that your spokesperson is different and you don't have to do the same thing jo ke brand ambassador aapka karta hai brand ambassador is something else usne timely aake jo hai maybe kisi jagah pe influencers ke sath meet up kar lena hai but that person won't be available to media 24/7 जो स्पोक्सपर्सन है वो 24/7 अवेलेबल होना चाहिए सो उसके पास सबके नंबर्स होने चाहिए और सबके पास उसका नंबर होना चाहिए सो दैट व्हेनेवर समथिंग हैपेंस अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन कोई न्यूज़ मिलती है तो एक तो दैट पर्सन शुड बी द फर्स्ट वन टू ब्रेक द न्यूज़ बट इफ नॉट एटलीस्ट दैट पर्सन शुड बी द फर्स्ट वन जो कि कॉमेंट करने के लिए मीडिया पे आने को तैयार हो दे शुड बी द पीपल हु आर क्विक ऑन देयर फीट हु शुड बी एबल टू थिंक फास्ट एंड रिस्पॉन्ड फास्टर अगेन ऐसा बंदा जो कि खुद ही बड़ा डल सा हो मुझे फिर अभी एक पॉलिटिशियन का नाम याद आ रहा है बट आई वॉन्ट से बट खुद ही डल सा हो 10 मिनट बाद सोच के जवाब देता हो दैट इज नॉट अ गुड पर्सन जो आप उसको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जवाब देने के लिए भेज दो चांसेस आर कि वो और काम खराब करके आएगा बजाय इसके के काम को सही करके आए सो डेजिग्नेटिंग स्पोक्स पर्सन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट और जनरली ये चीज भी ऐसी है जिसके ऊपर काफी ज्यादा ध्यान किया जाता है कम्युनिकेशन वर्ल्ड में दैट यू नो when you are going to hire a person how that person should behave and you know what are the things that a person can do I think we can kind of stop here so our next step is you to identify media targets of course you have to develop media relations aapne spokesperson bhi select kar liya par aapko media bhi select karna hota hai jahan general daily डे टू डे बेसिस पे आपने उनसे कम्युनिकेट करना है ठीक है और अगेन आई रिपीट दिस कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट एडवर्टाइजिंग इट्स नॉट अबाउट एडवर्टाइजिंग हियर वी आर टॉकिंग अबाउट कि न्यूज क्या देनी है उनसे किस तरह रिलेशनशिप्स बिल्ड करने हैं सो फॉर दैट थिंग देयर इज लाइक अ procedure that you can follow like a media plan that you can make now the second thing is that you have to identify media targets whenever you are making any kind of a plan for your you know media outreach you have to make sure that you first identify which kind of media you should be targeting to so before reaching out to journalists you need to know the media and its audience because it is humanly impossible to reach out to all the different kinds of media which is there that is going to cost you a lot of resources and time you have to read newspapers you have to watch television programs and you have to browse different web portals and then you can identify those particular channels that you want to target as part of your media plan where your news can be placed or where you can actually reach out to the journalist or influencers this shortlisting is like the essential step for you in the very beginning shortlisting media is important because sending everything to everyone or inviting everyone to your events is costly
it is inefficient, and it may actually serve to alienate credible media platforms. So what really happens, we all know that there are a lot of media platforms. Some are like really good ones, then there are some jinki itni followership bhi nahi hai, unki viewership nahi hai, ya unke readers nahi hai. And we are living in a country where every one in every 10 person would have a journalist ya press ka card, ya unhone apni gaadi pe press likha hua hota hai, because they, you know, they would like to be treated in a particular way, unhe signals pe na roka jaye and all of that. So iske liye kahin se bhi kisi bhi agency se ya kahin se ye log na press ke cards bhi banwa lete hain. There are a lot of ghost newspapers and, you know, ghost publications which exist, so they really like to be included in all the different event list and all. So agar aapne ek overall sirf DGPR se ya kahin se jitne bhi media Pakistan mein publish ho raha hai uski ek list le li hai, aur aap sabko hi tamam numbers pe apne invites bhej rahe ho ya tamam email IDs pe apne invites bhej rahe ho, so what you are doing is wrong, because somehow or other aap un tamam publications ko bhi target kar rahe ho jo aapke बिजनेस से ही रिलेटेड नहीं है. माइट बी अ गुड आइडिया फॉर गवर्नमेंट बिकॉज दे हैव दोज काइंड ऑफ रिसोर्सेज टू कवर ऑल दोज थिंग्स, बट इवन इन देयर केस इट शुड बी अवॉइडेड. सो फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव अ लिस्ट एंड नाउ यू नीड टू शॉर्ट लिस्ट मीडिया. अब वो शॉर्ट लिस्टिंग किस तरह होगी उसमें देर आर डिफरेंट फैक्टर्स दैट यू हैव टू सी. अच्छा, द अदर थिंग इज दैट इफ यू आर वर्किंग इन अ पीआर एजेंसी, तो उसमें बिकॉज व्हेन यू आर वर्किंग इन अ पीआर एजेंसी तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो नहीं कर रहे, आप अपने क्लाइंट के लिए कर रहे हो. सो उसमें आपने क्लाइंट को मद्देनजर रखते हुए अकॉर्डिंग टू देयर ओन बिजनेस एंड देयर ओन डिमांड्स यू हैव टू मेक अ कस्टमाइज लिस्ट. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम डीलिंग विद अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, सो यू आर वर्किंग इन एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी और एक क्लाइंट है यूएन वुमेन, सो यूएन वुमेन जो है उसकी जितनी भी क्लाइंट लिस्ट जो होगी, मीडिया लिस्ट, वो डिफरेंट होगी एज कम्पेयर टू एनी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन. सो वही लिस्ट जो है अगर प्रॉक्टर एंड गैम्बल के लिए बनानी होगी तो वो डिफरेंट होगी. यू कैन नॉट रियली, यू नो, टारगेट सिमिलर काइंड ऑफ मीडिया इन एवरी सिचुएशन. और मे बी कोई और नया ब्रांड हो या क्लोथिंग ब्रांड हो तो उसकी डिफरेंट होगी. सो दैट इज हाउ यू कैन, यू नो, शॉर्ट लिस्ट द मीडिया फर्स्ट एंड देन ऑफकोर्स उस मीडिया के अंदर जो जर्नलिस्ट है उनको आप टारगेट कर सकते हो. गुड पीआर सेटअप्स मेंटेन एंड अपडेट इंडिविजुअल लिस्ट ऑफ मीडिया कॉन्टैक्ट्स फॉर इट्स क्लाइंट्स. मीडिया गाइड्स आर टेलर्ड टू द क्लाइंट्स इंडिविजुअल फोकस एंड रिलेटेड टू टॉपिक रीजन एंड पब्लिकेशंस. अ कस्टमाइज्ड मीडिया गाइड इंक्लूड्स ऑल पब्लिकेशंस एंड जर्नलिस्ट दैट विल बी इंटरेस्टेड इन योर कंपनी न्यूज. सो अगेन, दिस इज समथिंग जो कि अगर आप पीआर एजेंसी के लिए कर रहे हो तब भी, और अगर आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है एंड उसके लिए आप मीडिया रिलेशन प्लान बना रहे हो, देन यू कैन, यू नो, थिंक अबाउट इट. सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू कंसिडर वाइल शॉर्टलिस्टिंग मीडिया. कोई भी मीडिया हाउस शॉर्टलिस्ट करने से पहले कि ये हमारे पीआर प्लान का परमानेंट मेंबर है, या इनको हमने हमेशा रीच आउट करना है, या इनको प्रेस रिलीजेस भेज दी है, या जो भी आपने डिफरेंट टैक्टिक्स डिसाइड की है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी देयर एडिटोरियल पॉलिसी एंड देयर स्टाइल. यू शुड नो व्हाट दैट पब्लिकेशन रियली पब्लिशेस, वो किस बारे में चैनल पे बात हो रही है. ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर वर्किंग फॉर अ ब्रांड, अभी मैंने क्लोथिंग ब्रांड की एग्जाम्पल दी, सो क्लोथिंग ब्रांड जो है वो उनकी उनके लिए जो है उस तरह की पब्लिकेशन ज्यादा कारामद हैं या ज्यादा अच्छी हैं जो कि ऑलरेडी जो है वो लाइफ स्टाइल ब्रांड्स हैं, लाइफ स्टाइल पब्लिकेशन हैं, जैसे कि आपके वीकली मैगजीन्स होते हैं या मंथली मैगजीन्स होते हैं. एक जो हार्ड कोर न्यूज पेपर है जिसमें रोज खबरें आनी है, वो शायद उनके लिए इतना वैल्यूएबल नहीं है. सो इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग इन देयर मीडिया प्लान के हमने टारगेट करना है जंक को, दे वुड एक्चुअली से कि हमने टारगेट करना है द न्यूज ऑन संडे, या जंक का जो संडे एडिशन है उसको. दैट इज वेयर आर सीईओज इंटरव्यू कुड बी प्लेस, दैट इज वेयर वी हैव टू इनवाइट जर्नलिस्ट फ्रॉम. सो आपका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है कि आप न्यूज प्लेटफॉर्म के या जो हार्ड न्यूज के जर्नलिस्ट हैं उनको टारगेट करो. सो स्टाइल एंड एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ दैट पब्लिकेशन, और इफ इट्स लाइक अ वेब चैनल और समथिंग, यू हैव टू सी. देन यू ऑल्सो हैव टू सी देयर फ्रीक्वेंसी, लाइक इफ इट्स व्लॉग तो हफ्ते में कितने व्लॉग्स एक स्पेसिफिक व्लॉगर जो है वो पब्लिश करता है, या अगर वो कोई चैनल है तो उस चैनल का आपने कोई भी अगर प्रोग्राम फॉर एग्जांपल किया है तो उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, वंस ए वीक है या डेली है या क्या उसका सिस्टम है, बिकॉज अगेन दैट रियली मैटर्स. इफ यू वॉन्ट टू गेट योर मैसेज अक्रॉस वाया देम, यू शुड एग्जैक्टली नो कि उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है.
इन केसेस ऑफ पब्लिकेशंस, प्रिंट पब्लिकेशंस, उनकी सर्कुलेशन एरियाज मालूम कर अगर पता हो दैट ऑल्सो हेल्प्स, बिकॉज इफ देर इज अ स्मॉल टाइम न्यूज पेपर जो कि किसी गाँव विलेज से या किसी छोटे शहर से निकल रहा है आपका, और आप एक बहुत बड़े ब्रांड हो जिसका एक एक ड्रेस जो है वो 8,000 रुपीज से स्टार्ट होता है, देन यू रियली डोंट नीड टू टारगेट दैट बिकॉज वो ऑडियंस ही आपकी नहीं है उस जगह पे. सो इफ यू नो अबाउट द रीजन एंड द सिटीज जहाँ पे उसकी सर्कुलेशन ज्यादा है, दैट ऑल्सो हेल्प्स. ऑफ कोर्स द रीडरशिप एंड व्यूअरशिप, इफ यू नो एग्जैक्टली, लाइक अगर आपने सिर्फ वुमेन सेंट्रिक पब्लिकेशंस को जो है वो टारगेट करना है, सो यू नो नोइंग द profile of the viewers also helps. By profile, I don't really mean कि आपको एक एक चीज उनकी पता चलेगी, but at least you can have an idea about that and then you can shortlist. Distribution method also helps. A lot of time you are just working on campaign जो कि सिर्फ digital होती हैं, you are not really focusing on print or electronic. So उस situation में आप किसी ऐसे journalist को involve ना ही करो जो कि सिर्फ print के लिए लिखता है, उसकी कोई web presence नहीं है. So in any case, उसकी audience तक आपका message पहुंच ही नहीं पाएगा. सो अगेन दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड कीप इन माइंड. ओके, नाउ व्हेन यू हैव डेवलप्ड और शॉर्ट लिस्टेड अ प्लान, अ लिस्ट ऑफ मीडिया हाउसेस और मीडिया प्लेटफॉर्म्स दैट यू नीड टू टारगेट, द नेक्स्ट स्टेप इज दैट यू हैव टू डेवलप अ मीडिया लिस्ट और अ डेटाबेस. इफ यू आर अ न्यू पर्सन इन एनी सेटअप इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, सो द फर्स्ट स्टेप इज यूजली दैट आपको मीडिया लिस्ट डिवेलप करने को दी जाती है, और इफ यू आर टेकिंग ओवर फ्रॉम समबडी एल्स, यू कैन ऑलवेज सी दिस मीडिया लिस्ट नेम्स एंड यू नो कॉन्टेक्ट नंबर्स ऑफ द पीपल, एंड देन यू नीड टू अपडेट इट. ऑफकोर्स उसमें अपडेट करते हुए आपने ख्याल रखना है इस चीज का कि क्या ये हमारे बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है. सो वंस यू आर वंस यू हैव शॉर्टलिस्टेड ऑल द चैनल, सो फॉर एग्जांपल से यू हैव शॉर्टलिस्टेड दीज आर द 5 न्यूज़पेपर्स एंड दीज आर द 8 टीवी चैनल्स एंड 15 और 20 यू नो इन्फ्लुएंसर्स जिनको हमने टारगेट करना है, तो आपने फिर उसकी एक प्रॉपर मीडिया लिस्ट बनानी है. सो व्हाट यू हैव टू डू दैट आफ्टर आइडेंटिफाइंग योर टारगेट्स, यू हैव टू पुट टुगेदर अ कॉन्टैक्ट लिस्ट फॉर ईच स्टोरी दैट इंक्लूड्स द नेम्स, फोन नंबर्स, इफ देयर आर फैक्स नंबर्स और अदरवाइज ईमेल आईडीज ऑफ दो जर्नलिस्ट, देयर एडिटर्स, न्यूज डायरेक्टर्स और एनीबडी एल्स जिस जो स्पेशल इंटरेस्ट जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ले रहा है. इट कुड बी इन्फ्लुएंसर्स एज वेल. So that media directly would include all the professionals who collect and disseminate information about the events, about the people and organizations. A lot of time in media list mein khud jo dusri PR agencies hain unke contact numbers bhi aapne likhne hote hain. So if you are doing PR for your own organization and you want to reach out to a lot of people, to aapki media contact list mein jo agencies hain unke numbers aur unke contact numbers bhi hone chahiye aur unke jo head honchos hain unse aapka raabta hona chahiye all the time. News reporters, columnists, anchor persons, media owners, if there are documentary filmmakers, bloggers, so all of them could be part of your media list. Iske alawa freelancers aur aapke jo television, radio aur wire services hain, that also helps. For example, agar ek government ki organization hai, wo 10,000 newspapers ko ek press release bhejti hai, they always do that, lekin wo uske sath sath wo news jo hai wo agencies ko bhi bhejti hain, so the news would be disseminated through all these PPI and APPN jo hamari different news agencies Pakistan mein hain aur internationally bhi, because the idea is ki newspapers bhi un agencies se news lete hain, so agar aapko आपकी प्रेस रिलीज वो नजरअंदाज कर भी देते हैं तो चांसेस आर कि वो जो न्यूज एजेंसी की तरफ से खबर उन तक पहुंची होगी शायद वो वाली पब्लिश करते हैं. सो यू कैन ऑलवेज इंश्योर कि आप इन सर्विसेज को भी अपनी न्यूज पहुंचाओ. ऑल्सो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एंड सिटीजन जर्नलिस्ट, सो दीज आर ऑल्सो पीपल जिनको आप अपनी मीडिया लिस्ट में इंक्लूड कर सकते हो. ऑफकोर्स वेन एवर यू आर गोइंग टू टारगेट फॉर एनी कैंपेन, इसमें आप मजीद फिर shortlisting karte ho according to your own requirements, but just having a list is very important as a first step. Now you have to make develop a media plan. अच्छा, अब media plan ये होता है कि एक तो आपकी organization की जो daily routine है उसमें भी आप उनकी एक communication plan कोई ना कोई बनाते हो. So media plan उसका part भी हो सकता है और it could be something which is other than your communication campaign. Like अगर आपकी campaign में media का बहुत ज़्यादा
यानी कि एवरीथिंग दैट यू वांट टू डू उसमें मीडिया ही की रिक्वायरमेंट है, देन यू कैन हैव सेपरेट प्लान्स फॉर से इन्फ्लुएंसर्स के लिए, हार्डकोर जर्नलिस्ट के लिए, अदरवाइज भी, वरना एक ओवरऑल जो आपकी कम्युनिकेशन या पीआर प्लान बना हुआ है उसी का पार्ट, एक सब पार्ट जो है वो सिर्फ मीडिया प्लान हो सकता है, दैट हाउ यू हैव टू रीच आउट टू द मीडिया. सो यू हैव टू डिवेलप अ प्लान ऑफ एक्शन फॉर मीडिया मैनेजमेंट. द प्लान विल बी चॉक्ड आउट फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल पीआर ऑब्जेक्टिव. सो इट हैज टू बी समथिंग विच शुड बी for the overall PR objectives. So your if your overall objective of an organization is that, you know, we have to increase our sales, so aapka jo bhi media management, jo bhi aapka plan hai media se related, usme aapne un tamam publications ko target karna hai jisme is tarah ki news ya is tarah ki jo hai products ke bare mein likha jata hai. So if you are producing mobile smartphones, so aapne usme phir usi publication ya usi kisam ke influencers ko target karna hai jo ki iske bare mein likhte hain, theek hai. Media plan could be made separately or it could be a part of your overall public relations strategy. I've already talked about it, that you can make separate plans as well, but it could also be a sub part within your overall communication strategy. Then you have to clearly state what press related vehicles will you use to get your message to the public. So in your plan, you should exactly identify ki aapne kaun kaun se platforms ke through jo hai वो काम करना है या उनके थ्रू जो है वो लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है. तो दीज आर जस्ट अ फ्यू टैक्टिक्स और अ फ्यू व्हीकल्स दैट यू कैन यूज और विच आर जनरली यूज टू कैप्चर मीडियाज अटेंशन एंड टू गेट योर मैसेज अक्रॉस टू द पब्लिक वाया मीडिया. सो दिस इंक्लूड बोथ ट्रेडिशनल एंड द नॉन ट्रेडिशनल मीडियम्स. सो एक चीज जो बहुत ज्यादा होती है जनरली, जिसके बारे में हम अक्सर सुनते भी हैं, कि एंड इट इज यूजली सेड दैट PR public relations is all about this, are the press releases. So press releases are basically those news stories that you send to different media organizations about your company. It could be about a launch of a new product or about some kind of a change in management, or generally whenever there is something newsworthy about your organization, you are going to send a news to media, and that would be called press release. It is just like any other news story. If they consider it worthy enough to be published, तो वो उसको जरूर पब्लिश करेंगे. ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए आपको उसके साथ प्रॉपरली फुटेज भी भिजवानी पड़ती है, सो दैट यू नो दे डोंट हैव टू सर्च इट देमसेल्व्स. बेसिकली इट्स लाइक पक्की पकाई काइंड ऑफ अ खिचड़ी. आप सबको जो है वो मीडिया को बस भेज देते हो एंड यू एक्सपेक्ट देम के उनकी एडिटोरियल पॉलिसी के हिसाब से ही है और वो उसको पब्लिश करेंगे. बट देन अगेन चांसेस आर दैट इफ दे डोंट हैव स्पेस इन द न्यूज़पेपर ऑन दैट डे, या उनके पास और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबरें हैं, तो दे माइट नॉट रिलीज योर यू नो प्रेस रिलीज दैट डे एंड later on. So in that situation, the idea is ki kabhi is rok nahi dena chahiye process press releases bhijwane ka. You can still, you know, send them press release. It does not take anything like much resources and all. So you should always target different media organizations, because chances are ki agar do teen dafa nahi publish karenge to phir kabhi do teen dafa publish bhi kar denge. And of course, if you have developed a media plan and over the period of time you have developed good relationship with journalists, so usme wo log more or less kar hi dete hain, aapki press release publish bhi kar dete hain, or you can just make a phone call and request them to publish it. Aur press releases publish karne ke liye jitne bhi achhe media organizations hai, they don't charge you anything. So if somebody is charging you, that means ke wo wohi do number kaam kar rahe hain, so they are not, you know, really following ethics over there, then it depends on you really, that you know how you are going to cater to that. Other than press releases, you can also have articles or even columns in the press. So we usually see ke aksar company ke CEOs ne columns likhe hue hote hain, ya unke kisi brand ambassador ka specifically interview karwaya jata hai, all that thing. So wo bhi ek possibility hai, you can do that as well. Then the second thing is appearing as a source in media stories. A lot of time, if you or any person in your organization is an authentic person to talk about something, and you have developed good relations with journalists over the years, so chances are ki aap unko ye request karo ki, you know, jab kisi is specific issue se related aap koi story file kar rahe honge, to you can use me as a source because I can give you some information. For example, aap kisi financial company mein kaam kar rahe ho, you are representative of Finca or any other, you know,
a financial entity, and there are a lot of economic or business journalists in Pakistan. So aap unko ye keh sakte ho ke, you know, if budget aa raha hai aur uske upar aapne story karni hai, so you can use me as a source. Ye cheeze jo hoti hai, ye as such koi likhi padi nahi hoti ki aap ek email karoge aur unko bataoge ke, you know, aap hame as a source use karna ya hamare CEO ko as a source use karna. Ye wahi baat hai ki aapne over the years itne acche taluqat banaye hote hain that, you know, the journalist would reach out to you. आप उसके सामने वैसे ही एक दो दफा मेंशन करते हो एंड देन एट सम गुड डे ही विल रीच आउट टू यू टू कवर यू एज अ सोर्स इन दैट स्टोरी. इसका फायदा क्या होता होगा? बिकॉज इफ से आई एम अ सीईओ ऑफ अ कंपनी एंड आई हैव बीन यूज्ड एज अ सोर्स इन एनी स्टोरी, तो इससे मुझे क्या डायरेक्टली फायदा हो सकता है? आपकी कंपनी की भी तो वो ऑथेंटिसिटी हो रही है, आपकी भी तो पब्लिसिटी हो रही है, काइंड ऑफ. Exactly, because every person in an organization is a representative of a company. और वही बात है कि somehow उधर जो recall करना या एक चीज़ से कहते हैं ना कि brand को recall करना is a very important part of the entire marketing mix. So it becomes very important that, you know, somebody from your company is appearing on media, चाहे वो अपनी company के बारे में बात ना करने आ रहा हो, वो किसी और चीज़ के बारे में बात करने आ रहा हो, लेकिन उसका नाम भी एक तो होगा, उसकी वजह से कंपनी का नाम भी होगा, बिकॉज वेयर एवर दे वुड से दैट, यू नो, पर्सन एक्स वाई जी वाई टॉकिंग टू अस, यू नो, ही सेट दिस, तो साथ में वो कंपनी का नाम भी मेंशन करेंगे कि उसकी डेजिग्नेशन क्या है, सीईओ ऑफ वट एवर कंपनी. सो दैट विल एक्चुअली, या इज समबडी स्पीकिंग? मैम, कैन आई से समथिंग? Sure. मैम, मैं कह रही थी, मैम, जैसे मतलब यूनिवर्सिटीज में होता है कि जब आपके स्टूडेंट्स किसी और जगह पे जाके बोलते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो कंपनीज या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो उनको फेसबुक पे या अपने किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करती है कि हमारा स्टूडेंट या फिर हमारा कोई एम्प्लॉय उसने इस जगह पे जाके बात की है, तो मैम उससे कंपनी की खुद भी इटसेल्फ मतलब मार्केटिंग हो ही जाती है एक हिसाब की. एग्जैक्टली, वो एक तरह से आप, यू आर जस्ट रीचिंग आउट टू पीपल, इट्स नॉट लाइक अ डायरेक्ट मार्केटिंग बट इट्स इनडायरेक्ट. सो आप, यू आर रीचिंग आउट टू पीपल और उनके माइंड में ये बात रहेगी. वी हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जो कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम करते हैं, यू नो, दे आर क्वाइट एक्टिव ऑन मीडिया, वो खुद भी इन्फ्लुएंसर्स हैं. सो इफ यू हैव पीपल लाइक दिस विद इन अ कंपनी, जरूरी नहीं है कि वो आप खुद ही पी आर ओ ही वो बंदा हो, वो कोई भी हो सकता है. सो दैट इज गोइंग टू हेल्प अ लॉट. So this is one of the things, और ये होता भी बहुत है, that you are appearing as a source in different media stories. Then customer success stories, that is again that you see a lot of time, that you know, you can talk about your customers, how they have made big you know, in the world by using your products or anything like that. इस तरह की चीज़ें social media पे भी आती हैं. Or you can also send it to the media persons. Again, the thing is कि media persons शायद उसको कहीं publish ना करें, but at least they would know कि आपकी organization से लोगों को क्या फ़ायदा हो रहा है. जैसे ये अभी मैंने UN Women की example दी थी, या UN या जितनी भी ये हम जिनको कहते हैं NGO types होती हैं या development sector organizations होती हैं, they keep sending media all these things कि कोई success story है, if they have been able to make a difference in any you know, village or any region or any institute, so they would send those stories to media. The media won't publish it, they won't honor it, but still they would know exactly. So वो journalist जो कि उसके बारे में कभी कोई story लिख रहा होगा, वो that person would might reach out to you then and they would say कि अच्छा जी आपने ये हमें story भेजी थी, we want to know more about it. इसकी भी again there are lot of तरीकास, lot of ways जिसके through जो है लोग ये काम करते हैं. Even I think right now there is this play जो कि TV पर आ रहा है, but I'm quite sure all of you know about Kash Foundation. So अगर आप लोग Kash Foundation को देखो, तो वो लोग basically पूरी पूरा प्लेज बना देते हैं जो कि एक नॉर्मल प्ले होता है, बट उसमें वो लोग ये एक फैक्टर रखते हैं कि किस तरह उनकी ऑर्गेनाइजेशन से कर्जा लेके किसी बंदे ने जो है अपना बिजनेस स्टार्ट किया और अब उसको बहुत ज्यादा सक्सेस मिल गई है. सो डेफिनेटली दे स्पेंड मनी विद दैट, वो प्रॉपर तरीके से प्रोड्यूसर्स को, यू नो, उनके साथ टाई अप करते हैं एंड दे वर्क आउट ऑन अ स्टोरी. लाइक उड़ाड़ी वॉज वन ऑफ द प्लेज जिसमें कश फाउंडेशन को जो है वो, यानी कि उनके ताउन के साथ वो बनाई गई थी. सो दैट वो तो खैर बहुत हाई एंड चीज है, लेकिन द थिंग इज के इट could be anything, like you are sending your customer success stories every month to a publication, even they are not publishing, and it could be something ki aap media ke sath tie up kar lo aur wahan pe aap apni success story jo hai unko dikha sako. Then ek bade saalon se chalti aa rahi cheez hoti hai letters to the editor.
अब उनकी आई बी वेरी ऑनेस्ट उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रही, बट वी ऑल नो दैट लेटर्स टू द एडिटर आर लाइक सिंपल लेटर्स जो कि आम आवाम जो है वो लिखती है ऑन टू न्यूज़पेपर एडिटर, एंड दिस कुड बी अबाउट एनी इशू. सो लेटर्स टू द एडिटर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो पीआर में सबसे ज़्यादा यूज़ करती हैं डिवेलपमेंट एजेंसीज ही जो किसी ना किसी कॉज के लिए काम कर रही होती हैं. सो वॉट रियली हैपन्स दैट दे वो खुद से भी और अदरवाइज जो उनके नेटवर्क में लोग होते हैं उनके थ्रू लेटर्स लिखवाते हैं न्यूज़पेपर्स को, ताकि अगर वो पब्लिश हों तो समहा उधर एक ओवरऑल जो है वो प्रेशर बन सके अबाउट एनीथिंग. सो यू वुड सी के जो डोमेस्टिक वायलेंस के लिए काम कर रही है अक्सर वो लेटर टू द एडिटर आते हैं उनके सीईओ की तरफ से और वो पब्लिश हुए हुए होते हैं. सो इट्स जस्ट अ वे टू रीइंफोर्स द आइडियाज दैट यू आर वर्किंग ऑन, और अगर वो पब्लिश हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, बट एट टाइम्स नहीं भी होते. Then another thing which is like quite rampant is the press conferences or press briefings. So government sector में तो we know exactly कि हर काम जो है वो press conferences में होता है. हर दिन कोई एक आधी press conference तो ज़रूर होती है हमारे कभी opposition parties की तरफ से कभी ministries की तरफ से. So press conferences is the basic part जहाँ पे आपने inform करना है लोगों को. But corporate sector में भी press को इनवाइट किया जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में या प्रेस ब्रीफिंग्स में, एंड दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द कॉर्पोरेट सेक्टर एज वेल. ऑफ कोर्स इन द कॉर्पोरेट सेक्टर आप हर महीने उठाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते. इट कुड ओनली बी ऑन द केसेस जब कोई आपने इंपॉर्टेंट बात करनी हो प्रेस से. एंड कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट बातें क्या होती हैं कि उनकी कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च हो गई है या उन्होंने कोई बहुत बड़ा अवार्ड विन कर लिया है अपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करने की वजह से, या उनकी मैनेजमेंट में कोई चेंज आ गई है या कोई क्राइसिस आ गया है जिसको अब उन्होंने एड्रेस करना है. सो दे हैव टू इनवाइट प्रेस एंड यू नो आंसर ऑल देयर क्यूरीज. इसके अलावा जो डे टू डे बेसिस होती हैं उस पर आपका कॉर्पोरेट सेक्टर को ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बहरहाल ज़रूरत नहीं होती है. और अब ज़रा नए नए कॉन्सेप्ट भी आ गए हैं. सो अगर प्रोडक्ट का लॉन्च होता है तो वो बजाय इसके कि प्रेस को इन्वाइट करें दे यूजली हैव अ लॉन्च पार्टी जहाँ पे वो इन्फ्लुएंसर्स को ज़्यादा फोकस करते हैं एंड ऑल, और ऑफ कोर्स प्रेस को भी बुलाते हैं, बट दे हैव लाइक अ प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड इवेंट्स इंस्टेड ऑफ अ प्रेस कॉन्फ्रेंस. सो अगेन डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन दैट यू आर इन द कंपनी दैट यू आर वर्किंग यू कैन ऑर्गेनाइज प्रेस कॉन्फ्रेंस, एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द की स्पेसिफिकली अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हो. सो प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करना इज काइंड ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्सो प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस ब्रीफिंग्स में थोड़ा सा ही डिफरेंस है. दे आर नॉट लाइक टू डिफरेंट थिंग्स. आई विल एक्सप्लेन इट आई थिंक परहैप्स इट्स इन द नेक्स्ट स्लाइड. ओके देन इंटरव्यूज विद द टॉप मैनेजमेंट एंड ब्रांड एम्बेसडर्स. सो अ लॉट ऑफ टाइम व्हाट जर्नलिस्ट्स आर लुकिंग फॉर इज टू गेट exclusive interview from your management or your brand ambassadors. So if you can provide them this opportunity, that would be a really good thing, because it's not easy to get hold of a top management most of the time, specifically MNCs ki jo management hoti hai. And most of the time, you know, they are the ones who are always traveling. या वो होते ही अंग्रेज लोग हैं या कुछ. तो अगर if you can, you know, provide them this chance, आप उनको into करें for an interview, and you can, you know, organize a proper interview, and then that interview will be published in that newspaper या वो किसी channel पे आके वो interview दें. So उससे जाहिर है एक बड़ी direct किस्म की आपकी publicity होगी. The same happens with the brand ambassadors as well, because most of the organization जो corporate sector की हैं बड़ी बड़ी, वो उनके बड़े fancy से brand ambassadors होते हैं. So you know, like अभी right now everybody is hiring these Turkish actors, and वही बात है कि जब वो Turkish actors आते हैं, and I am not very sure if somebody has already done an event like this, Jazz और ये जितने भी जिन्होंने hire किया है अभी Turkish actors को, but if they do it कि जी वो उनका एक say the news on Sunday में एक specific जो है वो interview आए Esra का, so that is going to give a lot of benefit to that publication. और जाहिर है जब आप publication को इतना benefit दे दोगे तो वो आइंदा से आपके बारे में तो कुछ भी छापने से पहले बहुत ही ख्याल रखेगी. सो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में जो हमारे पीआर मैनेजर्स हैं वो सोचते हैं, एंड दे आर ऑलवेज ऑन अ लुकआउट फॉर सच काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज. सो इफ दे कैन अरेंज इंटरव्यूज दे ऑलवेज ट्राई टू डू दैट. देन मीडिया टूर्स इज अनदर थिंग. मीडिया टूर्स जनरली जो है
वो करवाए जाते हैं इफ़ यू हैव लाइक अ प्रोडक्शन फैसिलिटी लाइक जैसे एंग्रो है. सो एंग्रो का दे हैव अ प्रॉपर प्रोडक्शन फैसिलिटी एंड यू नो देर इज दिस प्लेस आई थिंक इट्स नियर सिंध. इट्स लाइक एन एंटायर सिटी जहाँ पे उनकी ओवरऑल प्रोडक्शन होती है. सो वंस अ ईयर और जब भी वो कुछ मीडिया हाउसेज को सिलेक्ट करके उसमें से यू नो दो तीन जर्नलिस्ट को इन्वाइट करते हैं और वो अपनी सारी फैसिलिटी का टूर करवाते हैं. जनरली दे आर गोइंग टू बी जर्नलिस्ट जो कि बिल्कुल डायरेक्टली आपके ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस से रिलेटेड ही लिखते हैं या काम करते हैं. सो इफ देर इज अ जर्नलिस्ट जो कि बहुत ज्यादा लिखता है इस किस्म की चीजों के बारे में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं एंड ऑल, सो एंग्रो इज गोइंग टू टारगेट दोस काइंड ऑफ जर्नलिस्ट और उनको अपनी सारी फैसिलिटीज का टूर करवाएंगे एंड यू नो दे वुड मेक श्योर के वहाँ पे दो तीन दिन रहें एंड इट्स एन ऑल एक्सपेंस पेड काइंड ऑफ अ ट्रिप फॉर देम. ताकि अगेन द थिंग इज जरूरी है उसके बाद जाके उस जर्नलिस्ट ने पूरी कोई रिपोर्ट लिखनी है बट उनको फिर रिक्वेस्ट की जाएगी इफ यू वांट टू राइट समथिंग अबाउट अस, सो यू नो उनको आइडियाज दिए जाते हैं. एक और चीज जो कि इस वाले मैंने प्लान में मेंशन नहीं की है बट आई विल डिस्कस इट परहैप्स इन द नेक्स्ट क्लास इज अ लॉट ऑफ टाइम यू एक्चुअली पिच स्टोरी टू अ मीडिया बिकॉज जर्नलिस्ट के माइंड में नहीं है. अगर आप जर्नलिस्ट को ये कहोगे फोन करके कि आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक स्टोरी पब्लिश करें सो प्रॉबली वो जर्नलिस्ट नहीं करेगा. पर अगर आप उसको आइडिया दोगे दैट यू नो वी आर वर्किंग ऑन दिस थिंग, हम लोग ये कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं या हमने ये नई CSR कैंपेन जो है वो स्टार्ट की है एंड वी थिंक दिस इज अ टॉपिक जिसके बारे में ऑडियंस को भी जानने की जरूरत है, सो यू विल पिच दैट स्टोरी टू द मीडिया, देन द चांसेस आर कि वो मीडिया जो भी हाउस है या जो भी जर्नलिस्ट है वो आपकी स्टोरी को पब्लिश करे या उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग्स करके खुद आए और खुद इंटरव्यूज करें एंड ऑल ऑफ दैट. सो उसके लिए जो है मीडिया टूर्स भी फैसिलिटेट कराने पड़ते हैं. दैट अगेन इज अ थिंग जो कि बहुत ज्यादा फायदेमंद होती हैं इन द लॉन्ग टर्म. देन वी हैव रेडियो टेलीविजन एंड पॉडकास्ट अपीयरेंसेज अगेन जस्ट लाइक योर इंटरव्यूज इन द प्रेस पब्लिकेशन. आप रेडियो टीवी पे भी अपने ब्रांड एम्बेसडर्स और टॉप मैनेजमेंट के इंटरव्यू करवा सकते हो. यू कैन ऑर्गेनाइज सेमिनार्स वर्कशॉप्स एंड स्पीकिंग एंगेजमेंट्स. सो लाइक जैसे कोक वालों का एक पूरी सीरीज थी जिसमें उनकी जो टॉप मैनेजमेंट थी उन्होंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाके सेमिनार्स कंडक्ट करवाए थे. सो इस तरह तमाम कॉर्पोरेट सेक्टर में इस तरह देखा जाता है दैट यू नो इफ दे कैन ऑर्गेनाइज वर्कशॉप, इफ दे कैन ऑर्गेनाइज सेमिनार्स लाइक दिस स्पेसिफिकली फॉर जर्नलिस्ट या उनके साथ स्पेसिफिक स्पीकिंग इंगेजमेंट्स करवाई जाएँ तो वो लोग ज़रूर ये चीज़ करते हैं. देन इवेंट स्पॉन्सरशिप, दिस इज अगेन अ टेक्टिक जिससे आपको बहुत ही रैपिड किस्म का रिस्पॉन्स मिलता है. सो ऑल दीज डिफरेंट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन आर द वंस जो कि इवेंट्स करवाती हैं डिफरेंट किस्म के. सो जैसे डॉन वाले अपना लाइफ स्टाइल एग्जिबिशन करवाते हैं या उनका एजुकेशन एक्सपो हो रहा है या कोई भी इस तरह का इवेंट हो रहा है. सो इफ यू कैन स्पॉन्सर दोज इवेंट्स, सो जाहिर है जब डायरेक्टली आप उनको पैसा देते हो किसी काम के लिए सो दे वुड ऑलवेज बी वेरी थैंकफुल टू यू एंड द चांसेस आर कि उस पेपर की हद तक जो है वो आपकी जो है हमेशा अच्छी ही पब्लिसिटी की जाएगी. एंड आई ऑलवेज एंड अप गिविंग दैट एग्जांपल बट देयर इज नथिंग मोर प्रोमिनेंट देन द रिलेशनशिप बिटवीन ARY एंड बहरिया टाउन. सो हमने देखा है कि बहरिया टाउन उनकी प्रॉपर स्पॉन्सरशिप करता आया है फ्रॉम डे वन. सो वो कभी भी जो है आपको कोई भी कॉन्ट्रोवर्सी बहरिया टाउन से रिलेटेड जो है वो ARY के नेटवर्क पे उनके किसी भी चैनल पे नहीं दिखेगी. बिकॉज वही बात है कि जब स्पॉन्सर्स आप करोड़ों रुपए लेते हो तो फिर अल्टीमेटली आपने भी हया करनी होती है. सो दीज आर ऑल डिफरेंट टेक्टिक्स दैट यूजली PR एजेंसीज और यू नो योर मीडिया मैनेजर्स डू इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि आपके अच्छे रिलेशनशिप्स रहें विद मीडिया. सो वी वर टॉकिंग अबाउट द मीडिया प्लान. सो ये तो खैर मीडिया प्लान का पार्ट हो सकता है. नाउ इन द प्रोसेस दैट वी वर डिस्कसिंग लेट्स रीच आउट टू द मीडिया प्रेस. नाउ दिस इज स्टेप नंबर 5. यू हैव आइडेंटिफाइड द टारगेट्स, यू हैव मेड अ शॉर्ट लिस्ट, you have done the shortlisting, you have used all the different tactics to make sure ki aapke messages jaye. The process is that you have to reach out to the media. Ye wahi cheeze hain jo bhi humne already discuss ki hain, but this is part of the process that you can take your story to the media in several ways. One-on-one meetings are mostly encouraged, but emails and telephonic calls are more beneficial in cases where there are long-term partnerships and time constraints. So generally starting mein aap logo ko one-on-one meetings karni chahiye
सो फॉर एग्जाम्पल यू हैव ज्वाइंड एन योर ऑर्गेनाइजेशन एट एज अ मीडिया मैनेजर, सो जितने भी आपने वहाँ पे प्रेस के लोग सेलेक्ट किए हुए हैं जिनसे आपको अपने मीडिया प्लान का हिस्सा बनाना है, इट्स बेटर टू गो आउट एंड यू नो टेक टाइम फ्रॉम देम और उनके साथ वन ऑन वन मीटिंग करें, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इंट्रोड्यूस कराएं, एंड इफ देयर इज अ पर्सन जो कि आपसे पहले था तो जनरली इट हैपन्स के यू नो वो जो ट्रांजिशन पीरियड होता है उसमें ही वो मीटिंग्स करवा ली जाती हैं, सो दैट द ओल्ड मैनेजर एंड द न्यू वन वुड मीट दैट जर्नलिस्ट टुगेदर. सो यू हैव टू डू दैट, बट वन ऑन वन मीटिंग्स हमेशा नहीं होंगी. Every time you have a story, you don't really need to reach out to the media person in person. आपने जो है आप telephone calls पे या emails पे जो है वो राबता कर सकते हो. So हमारे यहाँ ज़्यादातर journalist का जो काम है वो telephone calls और WhatsApp पे चल रहा होता है. There are a lot of them specifically जो हमारे Urdu press वाले लोग हैं वो अपनी emails खोल के भी नहीं देखते. So it's better कि आप उनको call करके जो है वो उनसे बातचीत कर सकते हो. Consider inviting journalists to your organization for special talks and press visits. So just remember that whatever approach you choose, you have to be persuasive, you have to be persistent, and you have to be friendly with the media organization. If a journalist is saying no, कि हम आपके यहाँ विजिट नहीं कर सकते, तो अब आपने उससे लड़ना नहीं शुरू कर देना है. यू कैन परहैप्स अप्रोच दैट पर्सन 2-3 months later. So you know it really depends कि वो किन टॉपिक्स के ऊपर उन दोनों में काम कर रहे हैं एंड वेदर दे वुड बी इंटरेस्टेड टू विजिट यू और नॉट. देन नो कमेंट इज नेवर एन ऑप्शन. एवरी बोनाफाइड क्वेश्चन शुड बी एड्रेस्ड. दिस इज स्पेसिफिकली इन केसेस जब आपको खुद मीडिया जो है वो रीच आउट कर रहा है इन केस ऑफ सम काइंड ऑफ अ क्राइसिस या उनको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए. सो यू शुड ऑलवेज बी अवेलेबल फॉर देम. एक चीज का ख्याल रखना होता है कि जब आप पीआर मैनेजर हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, सो आप ही वो कांटेक्ट पर्सन हो जिसको मीडिया रीच आउट करेगा. ठीक है, पांच दफा मीडिया पर्सन को बहुत ही शौक हो रहा होता है कि वो आपकी टॉप मैनेजमेंट के नंबर्स भी ले लें एंड ऑल, बट यू हैव टू मेक योर प्रेजेंस फेल्ट कि आप उनको अव्वल तो उनको इंटू करो ही ना अपनी टॉप मैनेजमेंट के साथ डायरेक्टली, बट इवन इफ यू हैव दे हैव देयर नंबर्स एंड ऑल ऑफ दैट, यू हैव टू मेक श्योर कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो उनको या जब भी कोई क्यूरी हो वो सबसे पहले आपको रीच आउट करें. And you should be the person जिसको पता भी हो के आगे उनको किस तरह गाइड करना है. ठीक है, इफ देर इज सम काइंड ऑफ कॉन्फिडेंशियल स्टफ आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो, बट उनकी क्यूरी को फिर भी किसी ना किसी तरह आंसर कर दो. सो इफ देर इज समथिंग विच इज वेरी कॉन्फिडेंशियल लाइक अ मीडिया पर्सन इज हैज रीच्ड आउट टू यू एंड आस्क्ड यू दैट वी हैव हर्ड दैट आपकी कंपनी का इस दूसरी कंपनी के साथ मर्जर होने जा रहा है एंड यू नो के होने जा रहा है, बट दैट इज एन इन्फॉर्मेशन जो आपने कॉन्फिडेंशियल रखनी है, तो उसका फिर बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप उनको उस वक्त फौरी तौर पे जवाब ना दो. यू कैन जस्ट सी दैट यू नो दिस इज समथिंग विच इज नॉट इन माय नॉलेज, मे बी यू नो आई कैन कॉल यू बैक आफ्टर 2-3 hours एंड देन यू कैन यू नो आस्क योर टॉप मैनेजमेंट के इनको हमने किस हद तक बात बतानी है और किस हद तक नहीं बतानी है. सो ऑल दीज आर द थिंग्स दैट वुड एक्चुअली डिवेलप योर रिलेशंस विद डिफरेंट मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस. अ लॉट ऑफ टाइम इट ऑल्सो हैपन्स कि कोई न्यूज आपने ब्रेक करनी होती है मीडिया को, तो आप अपने स्पेसिफिक जिन ऑर्गेनाइजेशन के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात बने होते हैं उनको उन्हीं जर्नलिस्ट को कॉल करके वो चीज़ बताते हो एंड यू ऑल्सो मैंशन दैट टू देम कि ये सिर्फ हम आपको बता रहे हैं एंड वी वॉन्टेड टू बी यू नो टू बी गिवन टू पब्लिक वाया योर प्लेटफॉर्म. यूजली सेलिब्रिटी मैनेजमेंट मैनेजर जो हैं वो ये काम बहुत ज़्यादा करते हैं कि वो किसी स्पेसिफिक इन्फ्लुएंसर को कॉल करके कहेंगे कि जी ये हमारी खबर आपने लगवानी है और हम सिर्फ आपको बता रहे हैं. तो जब जर्नलिस्ट को पता चलता है कि हमें कुछ एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन मिल रही है, सो वो उसको जरूर पब्लिश करते हैं एंड यू नो दे वुड गेट वेरी एक्साइटेड टू डू दैट. सो यू कैन यूज दोज काइंड ऑफ टैक्टिक्स एज वेल. अच्छा, अनदर थिंग विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू इज टू ऑर्गेनाइज कॉन्टेंट फॉर द मीडिया. वी ऑल नो दैट मीडिया का काम ही है कि उन्होंने कॉन्टेंट डिवेलप करना होता है और वो लोगों तक पहुंचाना होता है, बट जब ये वाले कॉन्टेंट की बारी आती है जो कि किसी कॉरपोरेट सेक्टर की तरफ से आया हुआ है, तो मीडिया वाले हमेशा चाहते हैं कि उनको सब कुछ रेडी मिल जाए. ठीक है, एंड दैट इज ऑल्सो अ गुड वे फॉर यू बिकॉज इफ यू विल एक्चुअली गिव दैम ऑल द कॉन्टेंट दैट दे रिक्वायर, उनको ज्यादा रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी और चांसेस आर कि वो बगैर ज्यादा एडिट किए हुए आपकी स्टोरी जो है उसको पब्लिश कर देंगे. जनरली ऑल द जर्नलिस्ट आर ऑन स्ट्रिक्ट डेडलाइंस, सो आप उनको जितना फैसिलिटेट करोगे उतना बेहतर है. सो इसलिए खुद से कंटेंट डेवलपमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड इफ यू आर अ गुड पीआर पर्सन और यू वॉन्ट टू बिकम अ गुड पीआर पर्सन यू शुड हैव इम्पेकेबल राइटिंग स्किल्स बिकॉज आपके अगर रिटन स्किल्स अच्छे नहीं हैं या बाकी आपके यू नो अगर आपके वीडियो एडिटिंग स्किल्स आते हैं या सब कुछ आता है या आपकी टीम में इस तरह के लोग हैं, चांसेस आर दैट यू विल बी वेरी एक्टिव इन रीचिंग आउट टू द मीडिया.
So traditionally, you can invite media for the interviews with company officials or brand ambassadors, but that doesn't work always. Journalists are always looking for good human interest stories, so you have to provide them with a good story. And once you will do that, they will never say no. A good practice would be that you should always be ready with content. Being a professional, PR professional, you can have or you should have templates and stocks of PR writing material. एक चीज जिसको हम प्रेस किट कहते हैं या मीडिया किट कहते हैं वो आपकी हर वक्त रेडी होनी चाहिए और आपके ऑफिस में जो है उसके piles of media kits पड़ी होनी चाहिए. जो भी इवेंट आ रहा हो उससे रिलेटेड प्रेस रिलीज और बाकी मटीरियल डाल के वो मीडिया किट आपने हमेशा जर्नलिस्ट को देनी होती है. सो प्रेस किट भी कहते हैं या मीडिया किट भी कहते हैं. सो जनरली दे हैव लाइक प्रेस रिलीजेस होती हैं उसमें, ठीक है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी जाती है. अक्सर कोई ओपेड है तो वो दी जाती उसमें जो है वो रखे जाते हैं, बट ओपेड्स आर समथिंग जो के अदरवाइज होते हैं, बट दे कुड बी पार्ट ऑफ प्रेस किट्स एज वेल. सक्सेस स्टोरीज, लेटर टू द एडिटर्स, ये सब कुछ लिखना आपको आना चाहिए या एटलीस्ट इनके टेम्पलेट्स आपके पास मौजूद होने चाहिए ताकि जब भी आपने कोई नई स्टोरी ब्रेक करनी हो तो आप उस सिमिलर फॉर्मेट को यूज करके जो है वो चीज लिखें और वो आगे ऑडियंस को मीडिया को पहुंचा दे सो दैट ऑडियंस कैन सी इट. सॉरी, आई गेस निम्रा आस्क्ड समथिंग और मैंने वो क्वेश्चन मिस कर दिया है. निम्रा, कैन यू स्पीक, व्हाट वाज योर क्वेश्चन? पिम, आप कॉर्पोरेट सेंटर की बात कर रही थी कि उनको उनसे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है जर्नलिस्ट को, तो कॉर्पोरेट सेंटर से मतलब वो जो ऑर्गेनाइजेशन है जो अपनी पीआर कर रही है. Yeah, I think by corporate, I mean, if you are working for a corporate organization, like as a PRO, तो उनसे जो information मिलेगी, उसकी मैं बात कर रही थी. Okay, ma'am. Yeah? अच्छा. So you are discussing like content. So content means कि you should have like good skills, you should have good writing skills, या आपके overall जो है video skills अच्छे होने चाहिए. जरूरी नहीं आप हमेशा खुद ही develop करो. A lot of these things are the ones जो के आपने किसी को आगे से outsource की हुई होती हैं. But I would still say कि अगर खुद से एक न्यूज स्टोरी नहीं लिखनी आती और PRO बन गए हो तो फिर बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा काम करना, क्योंकि ये आप लोगों को यूजली काम जो है वो विद इन मिनट्स करना होता है. सो इट बिकम्स ईजियर इफ यू डिवेलप दो स्किल्स. देन अ लॉट ऑफ टाइम्स यू आर ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स एंड प्रेस कॉन्फ्रेंसेज. प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैं पहले बात कर चुकी थी, बट हेयर वी आर जस्ट डिस्कसिंग इट इन डिटेल दैट यू नो आप मीडिया रिलेशनशिप्स जो है वो बनाने के लिए डिफरेंट किस्म के इवेंट्स कराते हो जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो सकती हैं, प्रेस ब्रीफिंग्स हो सकती हैं, मीडिया टूर फैसिलिटी विजिट्स हो सकते हैं, लंच सेमिनार्स हो सकते हैं. सो प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस ब्रीफिंग में बेसिकली डिफरेंस क्या है, दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू. प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, बाय द वे, कौन कौन किस किस ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेज देखी हुई है? टीवी पे. और कभी टीवी पे ये आपने सुना है कि वो कहेंगे कि प्रेस ब्रीफिंग हुई आज, या प्रेस ब्रीफिंग में बात करते हुए ये बताया गया? मैम, ज्यादातर वो जब आर्मी चीफ या आईएसपीआर जब आते हैं, आई थिंक तब वो प्रेस ब्रीफिंग का कहते हैं कि आईएसपीआर प्रेस ब्रीफिंग दे रहे हैं. ग्रेट, आई एम रियली ग्लैड दैट यू हैव एक्चुअली रिमेंबर्ड दैट. और ये चीज के प्रेस ब्रीफिंग का वर्ड यूज होता है बट बहुत कम होता है. ज्यादातर यही आपको मीडिया पे कहा जाता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बात करते हुए, इवन अगर वो प्रेस ब्रीफिंग होती है तब भी वो ये वर्ड यूज करते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा. बट देर इज दिस माइन्यूट डिफरेंस एंड दैट इज एक्चुअली इन द नंबर ऑफ पीपल दैट अटेंड और ईच ऑर्गेनाइजेशन. आइडिया वही है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का एक रिप्रेजेंटेटिव किसी भी इशू के बारे में बात करेगा जर्नलिस्ट से. जर्नलिस्ट वुड टेक डाउन नोट्स और ऑल्सो आपने जो बात करनी है वो चीज प्रेस रिलीज की फॉर्मेट में उनको वहां पे देनी भी है, उनको प्रोवाइड भी करनी है. तो वहां पे एक प्रेस किट पहुंचाई जाती है ऑलरेडी जिसमें मेजर पॉइंटर्स लिखे हुए होते हैं, या तो वो पहले ही आप यानी कि रख दी जाती है उनकी सीट्स पर, या जो है वो बिल्कुल इवेंट खत्म होने के बाद उनको प्रोवाइड की जाती है और उसमें जो है वो अपनी बात की जाती है. और बात करने के बाद ओपन द फ्लोर वाली सिचुएशन होती है फॉर जर्नलिस्ट और उसमें जर्नलिस्ट जो है वो सवाल पूछते हैं. सो इट्स लाइक अ वेरी ओपन प्लेटफॉर्म दैट वे बिकॉज जर्नलिस्ट आर अलाउड टू आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन. उसमें भी मीडिया मैनेजमेंट वैसे बहुत ज्यादा की जाती है. सो एट टाइम्स सिर्फ उन्हीं जर्नलिस्ट को सिलेक्ट किया यानी कि उन्हीं को
कहा जाता है चुन चुन के कि आप पूछो जो उनके मतलब के सवाल पूछेंगे, बट नंदलेस वी हैव सीन के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में काफी एट टाइम्स कड़वे सवाल भी पूछे जाते हैं. वी हैव सीन दैट इन टाइम्स ऑफ डोनाल्ड ट्रंप के किस तरह जो है वो उसके लड़ाइयाँ हो जाती थी उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में. बट डिफरेंस बेसिकली दोनों में यही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो एक नॉर्मल इवेंट होता है और वो ओपन फॉर ऑल होता है, लाइक ओपन फॉर ऑल काइंड्स ऑफ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन. सो इफ यू हैव अ प्रेस कार्ड आप आराम से किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा सकते हो. मगर जो प्रेस ब्रीफिंग होती है उसमें सिलेक्टेड जर्नलिस्ट्स को इनवाइट किया जाता है, उसमें हर जर्नलिस्ट जो है वो नहीं जा सकता. सो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आर ओपन इन्विटेशन वेयर वेरीड मीडिया पर्संस आर प्रेजेंट, वाइल प्रेस ब्रीफिंग्स आर लेस एम्बिशियस इन द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स. ठीक है, उसके लिए यूजली इन्विटेशन इशू किए जाते हैं और जिन जिन मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट करके उनके जर्नलिस्ट को इन्विटेशन दिया जाता है, सिर्फ वही जो है उस प्रेस ब्रीफिंग में आ सकती हैं. ऑल्सो प्रेस ब्रीफिंग्स आर जनरली रैप्ड अप इन अ रिलेटिवली शॉर्ट टाइम. सो अगर आपसे जर्नलिस्ट सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हैं यू कैन ऑलवेज यू नो टूवर्ड्स द एंड से नो और प्रेस ब्रीफिंग खत्म हो गई एंड यू कैन गो. सो प्रेस ब्रीफिंग्स आर जनरली हेल्ड इन सिचुएशन जहाँ पे जैसे हमारी अगर ISPR वगैरह करते हैं वो लोग दोनों करवाते हैं, अक्सर प्रेस ब्रीफिंग्स भी होती हैं और ज़्यादातर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं. बट इफ देर इज एन इशू जो कि थोड़े यू नो सेंसिटिव नेचर का है, देन दे वुड ऑर्गेनाइज अ प्रेस ब्रीफिंग इंस्टेड ऑफ अ प्रेस कॉन्फ्रेंस. या इस तरह हमारा जो फॉरन ऑफिस है अगर वो कुछ करवाता है तो उनकी तो ज्यादातर प्रेस ब्रीफिंग्स होती हैं. इट्स नॉट ओपन फॉर ऑल द पीपल, ऑल द मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, इट्स यूजली ओनली फॉर सिलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन और सिर्फ वही मीडिया पर्सन जो है वो आते हैं उनकी प्रेस ब्रीफिंग्स में. Being a PR person, you should be actively involved in all the activities prior to the event and then during the conference and even after it ended. So, PRO generally खुद नहीं बैठे होते conferences में, या अगर होते हैं तो वो side पे बैठे हुए होते हैं, but जो आपका main speaker होता है वो इट कुड बी एनी पर्सन जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का रिप्रेजेंटेटिव हो. अब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन वाले जब करते हैं तो क्योंकि वो तो खुद ही उनकी वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उधर आपके जाहिर है आप देखते होंगे कि जो मिनिस्टर मेन है वही बैठे होंगे, शिबली फराज होंगे या फिरदौस आशिकवान होंगी. बट उनके साइड पे आप लोग अक्सर नोट किया करो, जब जैसे अगर फिरदौस आशिकवान यहाँ पंजाब में कर रही होंगी तो जितने भी DGPR के हेड्स होते हैं, आई थिंक उधर अभी राइट नाउ देर आर लाइक 7 मेन DGPRs, so वो सारे उनके साइड पे बैठे हुए होते हैं. सो दे आर द वंस जिन्होंने वो जाहिर है ऑर्गेनाइज भी करवाई नहीं है, बट वो खुद वहां पे नहीं बोल रहे होते बिकॉज दे नो कि मीडिया ने वही बात है कि किसी ऐसे बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू उससे सुनना चाह रहा है जिसको वो देखते आते हैं और जो ऑलरेडी सियासतदान है या उनके सामने हर वक्त नजर आता है. तो उसमें भी यही है कि अगर आपके ब्रांड एम्बेसिडर्स हैं तो वो भी बोल सकते हैं ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन बिहाफ, या कोई स्पोक्स पर्सन बनाया हुआ है. जरूरी नहीं है कि आपने वहां जरूर बोलना है, बट ये जरूरी है कि आपने वहां पे होना है और सब कुछ ऑर्गेनाइज कराना है. दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. यूजली आपकी पूरी PR टीम जो है वो मौजूद होती है ड्यूरिंग दीज प्रेस कॉन्फ्रेंसेज एंड प्रेस ब्रीफिंग्स. यू हैव टू मेक श्योर कि आप सारी लॉजिस्टिक अरेंजमेंट्स भी करो. इट्स नॉट कि हर चीज हैंड्स ऑन खुद करनी है, बट यू कैन ऑलवेज डेडिकेट थिंग्स. सो अगर आपने इवेंट वेन्यू डिसाइड करना है तो कौन सा होना चाहिए, इफ देर आर रिफ्रेशमेंट्स एंड ऑल तो दे शुड बी एडुकेट. टेक्निकल फैसिलिटीज सारे रिपोर्टर्स और कैमरा पर्सन को वहां पे अवेलेबल होनी चाहिए. सो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट. ब्रीफ द ऑफिशियल्स एंड स्पोक्स पर्सन सो दे शुड बी एबल टू फेस ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चंस. यू शुड ऑलवेज ब्रीफ द पीपल हु आर गोइंग टू स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन के उनसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. सो दैट वुड बी अ गुड थिंग. These are just a few tips. अगर आपने press events organize करवाने हैं, ठीक है. So first is that you have to plan everything in advance. Then you have to choose a convenient venue. Usually जो press clubs होते हैं वो बहुत convenient venue होते हैं क्योंकि उधर सारी arrangements होती हैं, या hotels होते हैं. जैसे अगर लाहौर में करवाना होता है तो ज़्यादातर लोग PC में करवाते हैं because उनके पास already सारी यू नो फैसिलिटीज मौजूद हैं कि माइक्स कहाँ पे प्लेस होने हैं, कैमरास कहाँ पे प्लेस होने हैं. किसी नई जगह पे करवाने में ये बड़ा इशू होता है कि आपको घंटों लग जाते हैं सब कुछ ऑर्गेनाइज यू नो सब कुछ मैनेज करने में. सो इट्स बेटर टू ऑर्गेनाइज इट एट प्लेसेस जहाँ पे ऑलरेडी इस तरह के इवेंट्स होते रहते हैं एंड मीडिया के लिए वो रीचेबल है. यू हैव टू डिसाइड अपॉन द प्लेसमेंट ऑफ कैमराज एंड माइक्स एक्सेट्रा इन द सिचुएशन ऑफ लाइव कवरेज. ऑल्सो मेक श्योर दैट व्हेनेवर यू ऑर्गेनाइज एनी इवेंट तो वहाँ पर आप प्रॉपर जो है वो
यू नो चार्जिंग के सॉकेट्स वगैरह भी ऑर्गेनाइज करवाओ, बिकॉज वो हमेशा मीडिया पर्सन को उसके इशूज आ रहे होते हैं. देन रिपोर्टर शुड बी अकोमोडेटेड विद प्रोफेशनल असिस्टेंस सच एज पार्किंग परमिट्स, एक्सेस एंड फंक्शनिंग मीडिया रूम. हैव इनफ अश्योर्स भी बहुत ज़रूरी होते हैं ताकि वो मीडिया को गाइड कर सके कि कहाँ पर आना है, कहाँ पर बैठना है. ये भी बड़े लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कि हमें इतना पीछे क्यों बिठाया, हमारा तो सही तरह जो है हमें समझ ही नहीं आई, या हमारे मिनिस्टर साहिबा ने तो हमें देखा भी नहीं क्योंकि हम इतने पीछे बैठे हुए थे. सो यू नो इफ यू हैव सम जर्नलिस्ट इन योर पैनल जो कि हमेशा आपके लिए अच्छा लिखते हैं, तो उनको आपने बहुत प्रॉपर तरीके से उनकी आवभगत करनी होती है ड्यूरिंग दैट टाइम. सो दीज आर जस्ट द डिफरेंट यू नो लॉजिस्टिक अरेंजमेंट्स दैट यू हैव टू डू. जनरली इफ यू आर अ पीआर पर्सन, सो यू आर द फर्स्ट वन जो कि वेन्यू पे जाता है एंड यू आर द लास्ट वन जो कि उधर से निकलता है. आपने इवन ट्रांसपोर्ट और पिकअप, पिक एंड ड्रॉप भी अरेंज करना होता है जर्नलिस्ट का. सो हर छोटी छोटी चीज का बेसिकली इट्स लाइक कि आपने उनको सब कुछ जो है वो ऑर्गेनाइज करके देना है विद अ होप कि आपकी पब्लिसिटी जो है वो बाद में नेक्स्ट डे उनके न्यूज़पेपर में या उसी वक्त उनके चैनल पे अच्छी आए. ये भी हमेशा इंपॉर्टेंट होता है कि जो चैनल वाले लोग हैं उनसे उस वक्त पूछ लें कि आप लोगों ने जो है आप अभी लाइव जा रहे हैं या लाइव नहीं जा रहे हैं, आपको बाद में अगर मजीद फुटेज चाहिए देन वी कैन सेंड इट टू यू. बिकॉज यू नो दैट ऑल्सो हैपन्स कि कुछ लोग अपनी DSNG वैन्स नहीं लाए होते और फिर उसके बाद इशू होता है. और PC में और भी काफ़ी जगहों पर यह है कि आपने पहले से उनकी प्रॉपर पार्किंग भी अरेंज करनी होती है इफ दे आर कमिंग विद देयर DSNG वैन्स फॉर लाइव कवरेज. अच्छा, देन इफ यू हैव टू ऑर्गेनाइज इंटरव्यूज, सो इंटरव्यूज में आपने अपने टॉप मैनेजमेंट के साथ, स्पेसिफिकली आपके जो CEO है उनके साथ आप इंटरव्यूज ऑर्गेनाइज करवा सकते हो मीडिया पर्सन्स के. ये इंटरव्यूज किसी भी तरह के हो सकते हैं. इट कुड बी कि आप किसी मैगजीन के लिए इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करवा रहे हो अपने CEO का एंड यू आर सेइंग कि ये एक पर्सनैलिटी इंटरव्यू है, आप उनकी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ भी जान सकते हो, उनकी पर्सनल लाइफ एंड ऑल ऑफ दैट. बट एट टाइम्स आप ऑर्गेनाइज करवाते हो इंटरव्यूज ऑन स्पेसिफिक काइंड ऑफ टॉपिक्स. जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी थी कि आप बजट आ रहा है तो बजट से रिलेटेड जो है वो अपने CEO का कोई इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करवा सकते हो जिसमें अगर वो उसी सेक्टर में काम करते हैं सो आप उनका इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करवा सकते हो. अगेन इट डिपेंड्स ऑन द जर्नलिस्ट के वो करना चाह रहा है या नहीं, बट इफ यू आर वर्किंग फॉर अ टॉप कंपनी तो आइडिया इज के वो मोस्ट ऑफ द टाइम हाँ कर देते हैं. मैनी जर्नलिस्ट प्रेफर टू गेट इन्फॉर्मेशन वन ऑन वन फ्रॉम द टॉप ऑफिशियल इंस्टेड ऑफ यू द PR पर्सन. सो इट्स गुड कि अगर वो रिक्वेस्ट आपसे खुद भी कर रहे हैं कि आप इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करा दो, सो आप उनको फैसिलिटेट करो. व्हेन एन इंटरव्यू इज स्केड्यूल्ड यू कैन कोऑर्डिनेट द लॉजिस्टिक्स अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द जर्नलिस्ट एंड योर CEO और ब्रांड एम्बेसिडर. ज्यादातर जो है इंटरव्यूज या तो CEO के करने में लोग इंटरेस्टेड होते हैं या आपके ब्रांड एम्बेसिडर के. इसके अलावा उनको आपकी कंपनी में किसी से कोई इतना खास यानी कि उनको कोई वो नहीं होते, इंप्रेस नहीं होते. सो यूजली होता है कि या तो CEO होगा या ब्रांड एम्बेसिडर होगा जिसका इंटरव्यू जर्नलिस्ट करने में इंटरेस्टेड होगा. नेवर सेंड अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस टू द जर्नलिस्ट, क्योंकि ये हम लोगों के यहाँ स्पेसिफिकली गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत है कि जी इंटरव्यू भी करवा रहे हैं जो आपको जो है ना हम प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू करवा देंगे, आपको लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस भी हम दे देंगे. बट द थिंग इज व्हेन यू डू दैट, और आजकल के ज़माने में तो आप कभी भी ऐसा रिस्क ना लो, आप ये आइडिया ज़रूर ले सकते हो जर्नलिस्ट से वंस दैट पर्सन इज ऑन द वेन्यू इंटरव्यू लेने के लिए कि आप किस किस किस्म के क्वेश्चंस पूछोगे. लेकिन पहले से ना लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस देना बहुत ही अजीब अनएथिकल सी बात है. सो you can never do that, so don't send the list of questions, but unse idea le lo ke kaun kaun se questions wo puchhenge. Okay, then one thing which is kind of jo humne bahral us wo race aur rope wale method mein bhi padha tha ki evaluation bahut zaruri hai. Aapne koi bhi campaign banayi hai, so agar aapne media ke liye bhi koi campaign banayi hai aur usko execute kiya hai, so uski monitoring karna bahut zaruri hai. Because jab tak aap monitor nahi karoge aapke liye evaluate karna bahut difficult ho jayega ki aapne jitne logo ko reach out kiya tha wo successfully hua hai ya nahi hua. So we know that news can travel around the globe in minutes, so it is very important for us to track the coverage that you are receiving. If you are doing a lot of effort in media coverage but you are not really tracking it, तो आप अपने top management को किस तरह बताओगे कि आपकी media पे अच्छी coverage हुई है. So media monitoring is an essential part of PR person. So media monitoring is basically observing all the different mediums that you are reaching out to for references to your company. So it is essential for us to measure the success of media relations campaign. और irrespective of कि आपने कोई campaign design की हुई थी या नहीं की हुई थी,
आपने मीडिया को मॉनिटर करना है और आपने किस किस क्या क्या चीजें आप मॉनिटर कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल यू कैन मॉनिटर द प्रिंट क्लिपिंग्स के प्रिंट मीडिया में आपके कंपनी से रिलेटेड क्या क्या क्लिपिंग्स आई हैं, क्या क्या न्यूज आई है, जहां जहां उनकी आपकी प्रेस रिलीज पब्लिश हुई है आप उसको देखते भी होगे अक्सर मीडिया पीआरओ के ऑफिस में उसके वो क्लिपिंग्स काट काट के उन्होंने पूरी पूरी फाइल्स बनाई होती है कि इस दिन इतने कॉलम पे ये न्यूज हमारी पब्लिश हुई. टीवी कवरेज के बारे में जो है लिखा होता है. सो अगर आपकी टीवी पे कवरेज आई है, इफ इट्स लाइक अगर आप लाइव इफ यू ऑलरेडी नो कि किस वक्त वो खबर चलनी है, यूजली जर्नलिस्ट बता भी देते हैं कि इस बुलेटिन में आएगी, तो आप उसकी रिकॉर्डिंग रख सकते हो अपने पास एट दैट टाइम. और यू कैन इवन आस्क देम लेटर ऑन कि आपको वो रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दें, बट जनरली नहीं करते, उनके पास इतना टाइम नहीं होता. सो इट्स गुड कि खुद से मॉनिटर करो, उसको रिकॉर्ड कर लो और आपके पास वो यूएसबी में या किसी ड्राइव पे सारा मटेरियल होना चाहिए. सिमिलरली ऑनलाइन मेंशन, सो your social media team would be able to you know help you out with this ki aap apne online mention jo hai uski sari report ek banwao aur apne paas rakho aur usko update karte raha karo. If there are increased media inquiries about your organization, that also means कि आपकी organization की somehow other media जो आपने plan बनाया था वो successful हो रहा है. Media inquiries का कोई भी मतलब हो सकता है कि आपके किसी specific product से related आपको बहुत ज़्यादा media persons या बहुत ज़्यादा bloggers जो हैं वो call कर करके पूछ रहे हैं. It could also be कि आप किसी crisis में आ गए हो तो media inquiries increase हुई हैं, but अगर normal situation में media inquiries increase हुई हैं, so that would mean that your media plan is kind of successful. If there is some kind of a increase in the volume of sales, ya phir aapko nayi nayi leads mili hai, by lead we actually mean ke sale nahi hui lekin there are a lot of customers jo ki aapki product ke bare mein interested hain. So agar is tarah ki koi situation hai, so you can you know get in touch with your sales department ke you know does that mean ke media wale jo hai us pe achhi coverage aayi hai to iski wajah se ye hua hai. Generally aisa hota hai ke aapki फॉर एग्जाम्पल आपके सी ओ का इंटरव्यू आया है एंड यू नो दे आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट CSR initiatives that you are taking. So उसके बाद जो है आप देखोगे तो अगले दो तीन महीनों में सेल्स में थोड़ा बहुत इंक्रीज आएगा. और इट कुड बी दैट दे आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक रीजन जहाँ पे अपने अपनी प्रोडक्ट जो है नई नई लॉन्च की है. सो उसके बाद आप देखोगे कि उस रीजन में आपकी सेल्स में इंक्रीज आएगा. सो यू कैन अज्यूम एट दैट पॉइंट इन टाइम कि ये क्योंकि हमारी मीडिया में हमारे बारे में बात हुई है इस वजह से ये चीज जो है वो हुई है. सो ये चीज जो है बहरहाल एक पीआर पर्सन को डायरेक्टली तो नहीं पता चलती, बट वो हमेशा सेल्स डिपार्टमेंट से ये फिगर्स ले सकता है एंड यू नो दे कैन इन्फर दैट मीडिया प्लान समहाउ अदर कामयाब जा रहा है. इफ देयर आर सम प्री ऑर्डर्स फॉर अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस, दैट आल्सो इज a sign that your media plan is somehow or other successful. Another thing that you should measure is the footfalls at the events that you organize. These could be your press conferences and different events that you organize, like koi product launch kiya hai. So aapko footfalls pata hone chahiye. In a lot of events, usually unhone wo machine bhi lagai hoti hai footfalls wali, but even uske ilawa bhi aap idea kar lete ho. Like if you have organized an event aur aapne wahan pe 100 media organizations ko bulaya है और एट द एंड ऑफ इट 65 आई हैं, सो यू नो आप उसका फिर एक ओवरऑल कर सकते हो कंपैरिजन विद द इनिशियल प्रीवियस इवेंट्स के उस पे कितने मीडिया पर्संस आए थे और अब कितने मीडिया पर्संस आए हैं. सो स्टार्टिंग विद दैट के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितने आए, उसके बाद उनमें से कितने ने अपने अपने न्यूज़पेपर्स में और टीवी पे पब्लिश किया और कितने ऑनलाइन मेंशंस आए, ये सब चीजों की मॉनिटरिंग जो है वो साथ साथ करनी पड़ती है इफ यू रियली वॉन्ट टू मेक श्योर कि नेक्स्ट वाले जो आपका प्लान है उसमें आप किस तरह चीजों को डिफरेंट करोगे. नाउ अनदर पॉइंट विच इज आई वुड से परहैप्स मोर इम्पॉर्टेंट टू अ लॉट ऑफ मीडिया पीपल देन एनीथिंग एल्स इज द दिस पॉइंट विच इज अबाउट गिविंग कर्टेसीज फेवर्स एंड फ्रीबीज. सो इफ यू आर अ पब्लिक रिलेशनिस्ट यू शुड नो के नथिंग वर्क्स मैजिक लाइक दिस छोटी सी चीज जो कि पीआर वालों के लिए छोटी सी चीज है, बट मीडिया पर्सन के लिए इट एक्चुअली सर्व्स अ लॉट ऑफ लाइक लॉट ऑफ यू नो फॉर देम इट्स अ लॉट टू बी ऑनेस्ट. व्हाट रियली हैपेंस द आइडिया बाय द वे इज नॉट कि हम किसी को ब्राइब कर रहे हैं. द आइडिया इज दैट यू आर सेंडिंग कर्टेसीज टू योर मीडिया पीपल सो दैट दे रिमेंबर यू. व्हाट आर द टाइम जब आपको जरूरत पड़ती है कि वो आपको याद रखे, दीज आर द टाइम जब कभी ईद है या क्रिसमस है या न्यू ईयर है. सो यू नो यू आर सेंडिंग देम दीज कैलेंडर्स, यू आर सेंडिंग देम दीज मर्चेंडाइज फ्रॉम योर कंपनी एंड
somehow or other they are going to remember you even if there is no news about your organization dur dur tak, lekin unke mind mein aap hamesha rehte ho. So giving courtesies, gifting and hosting trips and dinners for media persons have been a part of PR practice for a long long time. Ye aajkal ke zamane ki baat nahi hai, bade arse se hota aa raha hai. So media persons love getting freebies, merchandise, discounts and special gifts. That happens all the time. A lot of organizations jinki koi products hoti hain wo specific special discount dete hain media persons ko, unko discount cards bhijwaye jaate hain from time to time. या उनको स्पेशल गिफ्ट्स दिए जाते हैं. लाइक वी हैव सीन अ लॉट ऑफ टाइम के आप लोगों को याद होगा कि वो एक जमाने में कोक के ऊपर जो है वो नाम वाली कोक्स आनी शुरू हुई थी. बट मच बिफोर दैट व्हेन दे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग इट इंडिविजुअली तो तमाम इन्फ्लुएंसर्स को जो है वो उनके नाम के साथ वाला वो पूरा एक कोक का बंडल जाता था और उसके साथ गिफ्ट भी होते थे. आई डोंट नो उन्होंने कितनी बनाई थी बिकॉज हर दूसरा बंदे ने अपने उस पे लगाई होती थी अपने सोशल मीडिया पे वो चीजें. सो आप कस्टमाइज चीजें भिजवा सकते हो मीडिया पर्संस को. अ लॉट ऑफ टाइम इट हैपेंस के यू नो इफ यू हैव अ लिस्ट ऑफ जर्नलिस्ट सो आप उनकी बर्थडेज पे उनको केक्स भिजवाओगे साथ में कुछ गिफ्ट्स वगैरह भिजवा दोगे सो दे वुड रिमेंबर यू in your bad times as well. In the consumer good industry, travel industry, fashion and beauty industry, ये तो बिल्कुल एक नॉर्मल सी चीज है. आपका पीआर प्लान जो है उसमें ज्यादातर बजट जाता है इन चीजों के लिए कि आपने कितने गिफ्ट्स और कितनी फ्रीबीज जो है वो इन सब लोगों को भिजवानी है. बट जो बाकी किस्म की इंडस्ट्री में है लाइक अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो या अगर आप किसी सर्विस सेक्टर में हो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. लेकिन उसमें भी बहरहाल ये है कि आप काफी डिफरेंट तरीकों से उन लोगों को अकोमोडेट कर सकते हो. सो मच सो दैट इंटरनेशनल ट्रिप्स भी करवाए जाते हैं जर्नलिस्ट को यू नो उनको उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप्स बनाने के लिए. सो अच्छे खासे बजट जो है इन चीज़ों में यूजली जाता है. सो अ फ्यू एग्जाम्पल्स लाइक ऑर्गेनाइजेशंस गिव फ्री स्टफ टू लाइफस्टाइल जर्नलिस्ट एंड इन्फ्लुएंसर्स who then review their makeup products या वो restaurants वाले जो हैं वो बुला लेंगे influencers को के आके आप हमारे यहाँ free lunch और dinner करें and then you know you can write a review about us. या जो है वो जो movie critics हैं उनको free के passes दिए जाते हैं या even basically जो movie critics होते हैं या जो media होता है उनके लिए पूरा पूरा press show organize करवाया जाता है मूवी मेकर्स की तरफ से. सो इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो हेल्प आउट करती है. जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो लोग पूरे पूरे फॉरेन ट्रिप्स जर्नलिस्ट के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं. आपने देखा होगा कि जब भी फॉर एग्जांपल अगर प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं यूएन की असेंबली अटेंड करने के लिए तो उन लोगों को उनके पास एक पूरा एक प्लान होता है कि उन्होंने किस किस मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से किस किस जर्नलिस्ट को लेके जाना है. सो वो उनके साथ जहाज में ट्रेवल भी करते हैं वहाँ पे भी उनको बड़ी अच्छी जगहों पे ठहराया जाता है और फिर वो इजलास भी अटेंड करते हैं. उसके अलावा भी उनकी स्पीकिंग अरेंजमेंट्स होती हैं और जर्नलिस्ट तो इसी चीज़ पर खुश हो जाते हैं कि जी उनका एक बाहर का ट्रिप लग गया है. सो मच सो कि हमारे यहाँ हज और उमरे के लिए भी जो है वो जर्नलिस्ट को लेके जाया जाता है और वो फिर हमेशा के लिए जो है वो बहुत खुश हो जाते हैं. यू नो दे ऑलवेज टेक केयर अबाउट दैट स्पेसिफिक सियासतदान. सो द आइडिया इज दैट ऑल ऑफ दिस थिंग इज पार्ट ऑफ द प्रैक्टिस बट इट शुड बी डन एथिकली. You need to ensure that there is always a good reason for deploying these tactics and you should never cross this line into bribery. So the keyword here is balance. I don't know what you guys think but I think ke वो टू मच हो जाता है जब आप फॉरेन ट्रिप करवा रहे हो किसी जर्नलिस्ट को और आप उसको हज उमरे के लिए लेके जा रहे हो. सो वो एक बहुत ज्यादा चीज है. दैट मींस कि आप जो है वो समहाउ अदर सिर्फ इसीलिए कि आपके फेवर में लिखा जाए आप ये काम कर रहे हो, उसकी जरूरत नहीं होती है. एंड वी हैव इवन सीन पिछले कुछ जमानों में कि आपके इन हज उमरों के पैकेजेस के ऊपर जो है वो कितने कितने करोड़ों रुपए खर्च किए गए हकूमती खजाने से. इट डजंट मेक एनी सेंस बट ऑल ऑफ द पीआर पीपल और ऑल ऑफ द पीपल जो के गवर्नमेंट के बिहाफ पे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं उनको ये काम करने का बहरहाल बहुत ज्यादा शौक होता है. एक चीज जो जरूर करनी चाहिए जो हमारे यहाँ हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर थोड़ा बहुत करता भी है वो ये है कि जर्नलिस्ट्स को ट्रेनिंग करवानी चाहिए. दैट रियली हेल्प्स. लाइक अगर बाहर किसी मुल्क में फॉर एग्जांपल DW वाले कोई जर्नलिस्ट को एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफर करते हैं विच इज लाइक वेरी एक्सपेंसिव, आप यहाँ से कोई दो तीन जर्नलिस्ट को चुने और अपने बिहाफ पे आप उनको भेज दें, उनकी ट्रेनिंग भी हो जाएगी, दे वुड गेट सर्टिफिकेशन, दे वुड गेन स्किल एंड दैट वुड ऑल्सो हेल्प यू. Because somehow or other they would always be you know
favorable about your company or about your organization, about your own self, and they would always accommodate you jab bhi unko mauka milega. So is kisam ki cheezon ko thoda you know tamiz tarike se bhi karwaya ja sakta hai jo baharal hamari government wale itna nahi karte, but nonetheless corporate sector mein courtesies or favors dena is a huge thing. Okay, then you always have to follow up and refresh. That is very important. अच्छा ये हमारे यहाँ होता है अक्सर के बड़ी अच्छी कैंपेन भी कर ली, कोई प्रोडक्ट लॉन्च होने वाली थी उससे रिलेटेड मीडिया कैंपेन की, खूब लोगों को बुलाया, बड़ा पैसा खर्च किया, प्रोडक्ट लॉन्च भी हुआ, प्रेस रिलीजेस भी लग गई, मीडिया पे कवरेज भी आ गई, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी बड़ी कमाल की हुई, और उसके बाद एक तो आपने मॉनिटर भी नहीं किया सही तरह, या उसके बाद आपने फॉलो अप भी नहीं किया. सो यू हैव डन अ लॉट ऑफ एफर्ट टू एंगेज अ लॉट ऑफ मीडिया पर्सन्स, बट जस्ट बिकॉज यू डोंट हैव टाइम और यू डोंट हैव दैट अंडरस्टैंडिंग टू फॉलो अप ऑन थिंग्स, समहाउ अदर दोज जर्नलिस्ट विल नॉट हैव अ गुड रिलेशन विद यू. वो फिर आपका लॉन्ग टर्म रिलेशन नहीं रहेगा, वो आपने बस एक दफा कर लिया और फिर दोबारा से आपको नेक्स्ट टाइम मेहनत करनी पड़ेगी. सो योर मीडिया प्लान शुड बी द वन दैट इज कंसिस्टेंट विद रेगुलर फॉलो अप्स. आपने फॉलो अप करते रहना है मीडिया पर्सन को. वन रूल ऑफ अ थंब इज लाइक, ये कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे ही हो, बट जनरली ये कहा जाता है कि वंस इन एवरी थ्री मंथ्स आपने जितनी भी अपनी मीडिया लिस्ट में जर्नलिस्ट को इंक्लूड किया है उनको कॉल जरूर करो, ठीक है, और जो है उनसे बातचीत करो. इवन इफ यू डोंट हैव एनी न्यूज़ टू ब्रेक, इवन इफ यू डोंट हैव एनी ट्रिप टू ऑफर देम, इवन इफ यू डोंट हैव एनी फ्रीबीज टू ऑफर देम एट दैट पॉइंट इन टाइम, सलाम दुआ के लिए ही कर लो, बट यू शुड ऑलवेज फॉलो अप. यूजली ये ना हो कि हर दो दिन बाद जर्नलिस्ट को फोन कॉल की जा रही हो, बट वंस इन एवरी थ्री मंथ्स यू कैन डेफिनेटली डू दैट. After each campaign, you have to review the results. You have to evaluate everything. That is very important. And you have to see कि आपने अपने जो objectives define किए थे इस campaign के लिए, कि आपने वो achieve कर लिए हैं. If not, then you can consider modifying your original media plan for the next campaign that you do. It could be a thing कि आपने media persons को बुलाया और उसमें से कुछ media persons ने आपकी बारे में खबर लगाई ही नहीं, एंड दे वर ऑल्सो नॉट द मीडिया हाउसेज जिनकी बहुत ज्यादा व्यूअरशिप है. सो मे बी अपने नेक्स्ट प्लान के लिए आप वहीं पे एक रेड क्रॉस लगा दो कि इस नेक्स्ट टाइम प्रोबेबली वी डोंट नीड टू इनवाइट देम एंड वी कैन रीथिंक दैट यू नो इस जर्नलिस्ट के बजाय किसी और को हम इनवाइट कर सकते हैं. सो व्हेनेवर रिक्वायर्ड यू हैव टू अपडेट योर मीडिया लिस्ट एंड यू हैव टू अपडेट योर मीडिया प्लान अकॉर्डिंगली. तो जो भी आपका नेक्स्ट टाइम का होगा प्लान उसमें आप फिर अपडेट्स कर सकते हो, बट ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल ओनली इफ यू आर फॉलोइंग अप विद द मीडिया एंड द प्लान दैट यू हैव ओरिजिनली डिवाइज्ड. अच्छा जी, सो दिस वाज आवर मीडिया रिलेशंस वाला पार्ट. आई नो आई हैव स्पोकन अ लॉट, बट इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस देन प्लीज यू कैन आस्क देम नाउ.